Good afternoon, everyone. Today we're going to start with the new lesson, that is the new empire and kingdom. So let's start with the starting. That starting is the 322 CE to 550 CE. The Indian subcontinent witnessed one dynasty rise, which set the model of its classical civilization. The period was marked by extensive inventions, discoveries in science and technology, engineering, art, literature, logic, mathematics, astronomy, and philosophy. Historians have therefore named this period as the Golden Age of Indian History. तो आज हम गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे बहुत सी डिस्कवरी हुई या इन्वेंशंस हुई. किसके रिलेटेड? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, आर्ट, लिटरेचर, लॉजिक हो गया, मैथमेटिक हो गया, एस्ट्रोनॉमी होगी, चाहे फिलॉसफी होगी. और इस पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंटल में एक डायनेस्टी थी जो ऊंचाइयों पे पहुंची थी, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था सब इंडियन सबकॉन्टिनेंटल में. और उसमें ये सब में से क्लासिकल सिविलाइजेशन मानी जाती थी. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्रशस्ति. हैव यू एवर हर्ड ऑफ ए प्रशस्ति? इन संस्कृत द वर्ड मीन्स इन प्रेज ऑफ. These were composed in praise of some ruler. There is a famous Allahabad Prashasti. It is a stone pillar inscription. It was engraved on the Ashokan pillar in the Kusambi near Allahabad. It is one of the most important sources of information about Samudragupta, who was a famous ruler of the Gupta dynasty. It was composed by Harisena, the court poet and minister of Samudragupta in the 4th century CE. जब हम प्रश्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले कि प्रश्ति शब्द आपने कभी सुना है? ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी की तारीफ करना. तो जो कंपोज, कभी भी रूलर के बारे में कुछ कंपोज किया जाता है, कुछ लिखा जाता है, उसकी तारीफ की जाती है. तो एक फेमस इलाहाबाद प्रश्ति जो पाई गई है वो है स्टोन पिलर पे इंस्क्रिप्शन की हुई है. और वो कहाँ पे है? वो है अशोकन पिलर जो कौसंबी नियर इलाहाबाद में पाई जाती है. और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किसकी? इंफॉर्मेशन का. और किसके बारे में ये बताती है? ये समुद्र गुप्ता के बारे में बताती है. और जो फेमस रूलर था किस डायनेस्टी का? गुप्ता डायनेस्टी का. और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था हरिसेना, जो उनके ही कोर्ट का पोएट था, जो उनके ही राज्यसभा का एक कवि था. और साथ ही साथ वो समुद्र गुप्ता के डायनेस्टी में क्या था? एक मिनिस्टर भी था. बट द इलाहाबाद प्रश्ति टेलस, द प्रश्ति गिव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ राइन्स एंड कॉन्केस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता. इट टेल्स अबाउट हिज कैपेबल पर्सनैलिटी एंड हिज सक्सेशन टू द थ्रोन एंड हिज कोरोनेशन. ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ कंपनशेट रूलर कंसर्नड अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट. ऑल्सो ही वॉज एक्सीलेंट वॉरियर. द प्रश्ति portraits Samudragupta as not just a conqueror but also great poet, magician and patron of learning. He described as a kavi raja, that's mean kings of poets. His love for music is attested by his gold coin which show him playing the veena. प्रश्ति जो है इलाहाबाद में पाई जाती है, उसमें क्या हमें जानकारी मिलती है? एक तो प्रश्ति जो है बहुत ही ज़्यादा जानकारी देती है कि समुद्र गुप्ता ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है, और उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया गया, उसका साम्राज्य कैसा था. और साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी के भी बारे में बताया गया था कि वो उस थ्रोन का वो क्या था, एक उसने जो ये राजगद्दी वगैरह पाई थी वो उसको एक रूलर, कंपनशेट रूलर माना जाता था, कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं जो उसके अंडर आते हैं उन सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है. साथ ही साथ वो एक एक्सीलेंट वॉरियर है. और उसमें प्रश्ति में उसको कैसे पोर्ट्रेट किया गया है कि समुद्रगुप्ता ना कि एक सिर्फ दूसरों की जगह हड़पने वाला है या काउंकर करने वाला है, वो एक अच्छा पोइट भी है, कवि भी है, म्यूजिशियन भी है, और साथ ही साथ वो हर चीज़ को लर्न करने में बड़ा ही अच्छा है. साथ ही साथ उसमें क्या बताया गया है? ही इज कवि राजा. कवि राजा मतलब कवियों का राजा. और साथ ही साथ वो उसने ये भी बताया कि उसका संगीत के प्रति, म्यूजिक के प्रति कितना लगाव था, कि उसने गोल्ड कॉइन पे उसको समुद्र गुप्ता को क्या वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है.
Next one is the Samudragupta conquest. In the Aryabhatta region, there was a 9 kingdom conquered by Samudragupta. They become a part of Gupta Empire. 12 kings of Dakshinapatha are said to be have been defeated and captured and later released. The ruler of South merely paid him homage and tribute, and they were reinstated. The Prashti also mentioned the names of foreign king who paid homage and sworn allegiance to Samudragupta. They also offer their daughter in marriage to him. समुद्रगुप्त की जो उन्होंने कितने राज्य को जीता था, किनको हराया था, उसके बारे में बताया गया है कि आर्यभट्टा जो रीजन था हिमालय और विंध्यास के बीच का, जो नॉर्थन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसने कितने किंगडम को हरा के उसको अपने डायनेस्टी में मिला लिया था. 9 किंगडम वर उसने उनको काउंटर कर लिया, जीत लिया था. और साथ ही साथ जब उसका वो उन सब किंगडम को क्या किया उसने, गुप्ता एम्पायर का एक हिस्सा बना लिया. और जो 12 राजे थे, 12 किंग्स है कहाँ के, दक्षिण पठा के, उनको भी माना जाता है कि उसने उनको भी हराया था या पकड़ लिया था, और बाद में उनको क्या कर दिया, उनको रिलीज़ कर दिया. और क्योंकि साउथ के राजा ने उनको क्या कर दिया, उनके अधीन होना पसंद किया, तो जिसके कारण उनको वापस उनको राजगद्दी पे बिठा दिया गया. और टाइम टाइम पे वो उसको ट्रिब्यूट भी देने आते थे. और परस्ती में ये भी मेंशन किया गया है कि जो फॉरेन के किंग थे जिन्होंने उसके साथ उसका साथ करने के लिए कर लिया और उसकी उसके साथ ही काम करने के लिए करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए अपनी बेटियों के भी मैरिज के लिए उसके साथ करने के लिए ऑफर किया था. नेक्स्ट वन इज द गुप्ता डायनेस्टी. The Gupta rose to the power and acquired political control in the region of Magadha in the second decade of the 4th century CE. The first known king was the Sirigupta, who founded the Gupta Empire. The Puna copper inscription describe him as a Adhiraja of the Gupta dynasty. He was succeeded by Ghatotkacha, who was referred to be a Maharaja. Chandragupta first was the first important king. He was referred to be as a Maharaja Diraja, meaning great king of the kings. He accession to the throne in the 319 CE marks the beginning of the Gupta era. He married Kumaradevi, the Lichvi princess. Chandragupta was succeeded by Samudragupta, who used the same title as his father. Also, he has been called Napoleon of the East. Samudragupta's son was the Chandragupta II. He is very often referred to be Vikramaditya. He defeated the Shakas and seized Western India. This made his empire much more prosperous because he controlled over the ports of the Western India. Surat and Bhroch, which were the main center of the trade and Europe, now come under the Gupta Empire. जब हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं तो गुप्ता की जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल भी कहाँ पे, मगधा में बना लिया था. सेकंड डेकेड किसका, 4th सेंचुरी सीई में. पहले तो सबसे पहले जो गुप्ता डायनेस्टी का जो एम्पायर में फाउंड किसने किया था वो था श्री गुप्ता ने. और उनकी पूना की जो कॉपर इंस्क्रिप्शन जो मिली थी उसमें लिखा हुआ था उनका नाम अधिराजा, जो कि वो क्या थे, गुप्ता डायनेस्टी के अधिराजा थे. और उनको उनके बाद राजगद्दी पे कौन बैठा, घटोत्कच बैठा, और वो भी क्या थे, उसने उनको क्या, उनका क्या नाम है, महाराजा उनको कहा जाता था. चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट थे वो थे सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट किंग गुप्ता डायनेस्टी के, और उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था महाराजा अधिराजा, जिसका मतलब है राजाओं का राजा, महान राजाओं का राजा कहा जाता था. और उन्होंने राजगद्दी जो अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था वो किया था 319 में, जिससे गुप्ता जो एरा था, जो उनकी प्रभाव शक्ति जो बड़ी थी, उनकी जो पावर बढ़ गई थी, बहुत ही 319 के मार्क जो था वो स्टार्ट हो गया था. उनकी शादी ही मैरिड कहाँ, किन के साथ शादी हुई थी उनकी, कुमारदेवी लिच्छवी प्रिंसेस थी. और गुप्ता चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट था उनके आगे जो नेक्स्ट प्रिंस आया था वो था समुद्रगुप्ता, जिनको भी सेम टाइटल ही दिया गया था जैसे उनके पिता को दिया गया था, महाराजा अधिराजा. और उनको क्या कहा जाता था, उनको समुद्रगुप्ता को कहा जाता था नेपोलियन ऑफ द ईस्ट, उनको इस नाम से भी पुकारा जाता था. समुद्रगुप्ता का बेटा था चंद्रगुप्ता, जिसको नॉर्मली क्या दूसरे नाम से जाना जाता था, विक्रम आदित्य. इन्होंने बहुत सारे राजा को हरा के और साथ ही साथ उन्होंने वेस्टर्न इंडिया का जो थे बहुत सारा इलाका अपने
एम्पायर में कर लिया था, जिसके कारण क्या हुआ, उनका साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और प्रॉस्पेर हो गया, क्योंकि उन्होंने जो पोर्ट्स थे ना वेस्टर्न इंडिया की तरफ, सूरत हो गया, ब्रोच हो गया, जो मेन सेंटर थे ट्रेड का यूरोप के साथ या बाकी देशों के साथ, वो वहीं से होके जाते, जिसके कारण उनके साम्राज्य में बहुत ज़्यादा तरक्की होने लग पड़ी। द गुप्ता पीरियड, देयर वाज अ पॉलिटिकल यूनिटी अंडर द गुप्ता रूल, द जुडिशियल सिस्टम वाज वेल डेवलप्ड, पीपल हैड फेथ इन द जस्टिस ऑफ द किंग एंड एंजॉयड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुप्ता रूलर वर आर्यंट फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, दे वर्शिप लॉर्ड विष्णु, सो दे वर कॉल्ड वैष्णवस, बट डिस्पाइट बींग फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, द गुप्ता रूलर फंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट जैन फेथ। इट वॉज ड्यूरिंग देयर रेन दैट द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बिकम ए फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग। तो जो गुप्ता पीरियड था उसमें क्या था कि जो रूलर थे वो एक यूनिटी थी, पॉलिटिकल यूनिटी भी थी उनके साथ, और जो उनका जुडिशियल सिस्टम था, जो भी उनके डिस्प्यूट वगैरह होते थे उसके लिए वेल डेवलप्ड जुडिशियल सिस्टम था। लोग क्या करते थे, लोगों को राजे के ऊपर विश्वास था और वो एक अच्छी जिंदगी, हाई स्टैंडर्ड जिंदगी वहाँ पर जी रहे थे। गुप्ता रूलर की बात करें तो वो किसके फॉलोअर थे, वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे और लॉर्ड विष्णु की वो बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, इसलिए उनको वैष्णव भी कहा जाता था। और जबकि वो हिंदुइज्म मानते थे, और साथ ही साथ गुप्ता रूलर्स ने क्या किया था, बुद्धिस्ट जो इंस्टीट्यूट थे और जैन फेथ में जो रखते थे उनको भी क्या किया, उनको भी फंड वगैरह, पैसे वगैरह देते थे, जिसके कारण उनके ही साम्राज्य में बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा, वो दुनिया की एक फेमस सेंटर बन गया, किसके लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, आफ्टर द रेन ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकंड, ओनली टू ऑफ हिज सक्सेसर रूल एफिशिएंटली। द लास्ट गुप्ता वाज द स्कंद गुप्ता, ही पुट अप ए स्टिफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हुंस एंड ड्रॉव देम आउट ऑफ इंडिया। However, his weak successor could neither check the continuity hunk attacks nor the revolt by the governor. Consequently, the Gupta disappeared as an independent political force in the second half of the 6th century. जब गुप्ता एम्पायर क्या हुआ, होने लग पड़ा, अब डिक्लाइन करने लग पड़ा। जो चंद्रगुप्ता सेकंड जो शासक था, उसके बाद जो उसकी नई पीढ़ी आई थी वो ज़्यादा कुछ सक्सेसली काम नहीं कर पाए, इतने अच्छे से नहीं, सिर्फ दो ही जो सक्सेसर थे उन्होंने अच्छे से काम किया। और सबसे लास्ट गुप्ता किंग कौन था, स्कंद गुप्ता था, जिसने हंस को बड़ी अंगेस्ट उसके लड़ा, अच्छे से लड़ा और उनको इंडिया के बाहर भी भगा दिया। बट उसके जो आगे वाली पीढ़ी आई, आगे वाले सक्सेसर आए, उन्होंने ना ही हंस के अटैक्स को इतना चेक कर पाए और ना ही जो रिवोल्ट कर रहे थे गवर्नर उनको कुछ उनका कर पाए, जिसके कारण गुप्ता जो थे, गुप्ता डायनेस्टी जो थे, एम्पायर था, वो क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया एज ए इंडिपेंडेंट, एक अलग पॉलिटिकल पार्ट फोर्स बनी थी जो सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी में। सो नेक्स्ट वन इज हर्षवर्धन, आफ्टर द गुप्ता द ओनली एम्पायर दैट बिकम पावरफुल इन द नॉर्थ वॉज सेटअप बाय द हर्षवर्धन। वी नो दिस फ्रॉम द कॉइन इंस्क्रिप्शन एंड हिज बायोग्राफी हर्ष चरित्र रिटन बाय बाणभट्ट हिज कोर्ट पोइट। ही ऑन द सॉन्ग ए चाइनीज पिलग्रिम हैज ऑल्सो लेफ्ट इंटरेस्टिंग अकाउंट्स ऑफ हर्ष राइन। हर्षवर्धन वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ द रूलर ऑफ थानेश्वर, हिज ओल्डर ब्रदर असेंडेड द थ्रोन बट ही वॉज किल्ड एट द टेंडर एज ऑफ द 16। हर्ष असेंडेड द थ्रोन एंड टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द 606 CE। आफ्टर हिज ब्रदर इन लॉ हु वॉज द रूलर ऑफ कानूज डाइड, ही बिकम द किंग ऑफ द बोथ थानेश्वर एंड कानूज। ही परसुएडेड एन एक्सपेंशन पॉलिसी एंड कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। ही वॉज डिटरमिन्ड टू एस्टैब्लिश अ सिंगल यूनिफाइड एंड स्टेबल किंगडम इन इंडिया। However, when he tried to go beyond the Narmada River and go south, he was defeated by Cholukya king Pulkeshin II. Harsha believed in Buddhism and held an assembly at Kannauj to discuss Buddhism. Another meeting was organized as Pragya. After Gupta, जब गुप्ता एम्पायर डिसअपेयर हो गया, तो उसके बाद एक ही एम्पायर जो पावरफुल बना था नॉर्थ में, वो सेटअप किसने किया था, वो सेटअप किया था हर्षवर्धन ने। और उनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, हमें कॉइन से मिलती है, इंस्क्रिप्शन से मिलती है, और उसकी बायोग्राफी किस पे लिखी गई है,
हर्ष चरित्रा में लिखी गई है। और किसने लिखा है उसको? बहना भट्टा ने लिखा है। जो कौन था? वो उसी के कोर्ट का एक पोएट था। और ह्यान त्सांग जो एक चाइनीज पिलग्रिम था, उसने भी इंटरेस्टिंग नोट छोड़े हैं। किसके बारे में? हर्ष राइन के बारे में, उसके शासक के बारे में, हर्ष जो शासक था उसके बारे में। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन वाज द जंगर, सबसे छोटा सन था किसका? रूलर ऑफ थानेश्वर। और उसका जो बड़ा भाई था उसने राजगद्दी ली थी, बट वो क्या गया हो गया, वो मारा गया था। और एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में ही हर्ष को क्या दिया गया थी? राजगद्दी दी गई थी, शासक उसको बना दिया था। और उसने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। कब ले ली थी? 606 CE में। और जब उसका जो ब्रदर इन लॉ था, वो था रूलर किसका? कानूज का। वो भी मर गया। वो अब क्या, जो हर्षवर्धन था वो क्या बन गया? राजा बन गया। किसका? थानेश्वर और कानूज एम्पायर का। वो उसके इलाके उसके बन गए। और उसको वो क्या करना चाहता था? वो एक्सपेंशन पॉलिसी उसने अपनाई हुई थी कि वो दूसरे साम्राज्य को, दूसरे शासकों को हरा के वो अपने में मिला देना चाहता था। और एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने क्या कर लिया? कॉन्कर्ड भी कर लिया, कब्जा कर लिया उस पर, उसने उनको अपने में मिला लिया। उसका विश्वास था कि वो क्या करेगा, एक बड़ा सा साम्राज्य बनाएगा जिससे किंगडम स्टेबल हो और सिंगल हो और यूनिफाइड हो, मतलब इकट्ठा करना चाहता था। बट जब भी वो क्या किया, उसने नर्मदा रिवर को क्रॉस करने के साउथ में जाने की किया, उसको हरा दिया। किन्होंने हरा दिया? चुलकिया किंग, जो कि पुलकेशन सेकंड था। हर्ष बिलीव किस में करता था? हर्ष बिलीव करता था बुद्धिज्म में। और उसने असेंबली भी कानूज में डिस्कस, किसके साथ, किसकी डिस्कस करने के लिए? बुद्धिज्म डिस्कस करने के लिए। और दूसरी मीटिंग जो उसने असेंबली जो मीटिंग की थी, वो की थी प्रज्ञा में। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, नेक्स्ट टॉपिक इज The ruler enjoyed limitless power. The minister and other official helped in the administration. Land tax, excise duty were collected on a regular basis. The village was the smallest unit of the administration. Some of the important posts in the administration. First one is the chief judicial officer, that is Mahananda Nayak, minister Kumar Amatya, minister for war and peace, Sandeh Biharka, चीफ बैंकर नागरह शरस्थी, लीडर ऑफ मर्चेंट कार्बन से सरतवाहा और चीफ क्राफ्ट्समैन प्रथम कुलिखा। ये सब पोस्ट जो थी ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट पोस्ट जो उन्होंने क्रिएट की हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन में। और रूलर के पास क्या होता था? रूलर के पास बहुत सारी पावर्स होती थी। मिनिस्टर्स या और जो ऑफिशियल्स होते थे वो क्या करते थे? हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। और लैंड के टैक्स हो गए या एक्साइज ड्यूटीज होगी, वो भी रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट की जाती थी। और सबसे छोटा यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन का था वो कौन सा था? वो विलेज था। The post of Mahananda Nayak was the hereditary, though the officer work under the king. Sometime the hereditary posts proved to be disadvantages. तो क्या थी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी महानंदा की, जो जिसको हम चीफ जुडिशियल ऑफिसर कहते थे, वो ज़्यादातर हेरिडेटरी होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। बट जो बाकी ऑफिसर्स काम करते थे किंग के अंडर, वो क्या होते थे? हेरिडेटरी अगर दिए जाते थे बहुत बड़ी ही उनसे डिसएडवांटेज, उससे नुकसान होता था। सो नेक्स्ट वन इज आर्मी। द रूलर मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। कैवलरी, वॉर एलिफेंट, हॉर्स आर्ची वर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द आर्मी। इन टाइम्स ऑफ नीड एक्स्ट्रा सोल्जर वर प्रोवाइडेड बाय समानता। दे वर ग्रांट लैंड एंड द रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज यूज टू मेंटेन स्मॉल यूनिट ऑफ सोल्जर एंड वॉर इक्विपमेंट। हाउएवर व्हेन द किंग वॉज ए वीक, समर्था ब्रोक फ्री ऑफ हिज सुप्रीमेसी एंड फाउंड देयर ओन किंगडम्स। जब हम आर्मी की बात करते हैं तो रूलर क्या करता है? रूलर शासक जिसको आप राजा कहते हो, वो एक बड़ी स्ट्रांग आर्मी बना के रखता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं और आर्चरी तीर की चलाने वाले भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं आर्मी के होते हैं। अगर उनको क्या चाहिए होती? एक्स्ट्रा सोल्जर चाहिए होते, और ज़्यादा सोल्जर चाहिए होते जो उनके समान्थ होते हैं, जो उनके और ज़्यादा जिनके गवर्नर वगैरह होते हैं, वो उनसे क्या लेते हैं? उनसे आर्मी लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? उनको लैंड दी गई होती है ग्रांटेड, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें और मेंटेन कर सकें स्मॉल यूनिट ऑफ सोल्जर, या फिर वॉर इक्विपमेंट भी वो मेंटेन कर सके। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर राजा कमज़ोर हो जाए तो जो उसके समंथ जो गवर्नर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? उसकी सुप्रीमेसी को छोड़ देते हैं और अपना ही एक किंगडम बना लेते हैं। People of Kingdom,
The caste system was practiced. The Brahman was superior and spoke in the Sanskrit, while the common people spoke in Prakrit. The untouchable were badly treated. They lived in the outskirts of the city. If they entered the city, they had to keep themselves away from the other people and avoid touching. तो जो लोग होते थे वो किस तरह की होते थे, कास्ट सिस्टम को अपनाते थे वो, जो ब्राह्मण होते थे वो सुपीरियर माने जाते थे, और वो किस में बात करते थे, वो संस्कृत में बात करते थे, और जो बाकी के कॉमन लोग होते थे वो प्राकृत भाषा में बात करते थे। अनटचेबल्स को बड़ा ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, और वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे, वो सिटीज़ के बाहर रहते थे। अगर वो सिटीज़ के अंदर, अगर वो शहर के अंदर आ भी जाते हैं तो वो दूसरों से दूर ही रहते थे, और ना ही किसी भी चीज़ को या किसी लोगों को वो टच करने को अवॉइड करते थे। किंगडम ऑफ द साउथ, तो किंगडम ऑफ साउथ में कौन कौन से हैं, चोलक्या है और पालवस है। सो फर्स्ट वन इज चोलक्यास। ए नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम केम टू पावर इन द साउथ, बट द मोस्ट पावरफुल वर द चोलक्यास। दे रूल ओवर द एरिया बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड विंध्या माउंटेन्स बिटवीन द 6th एंड 12th सेंचुरी CE। देयर टेरिटरी स्प्रेड अक्रॉस कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। देयर कैपिटल वॉज एट एहोर। द पुलकेशिन सेकेंड वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ द चोलक्या रूलर्स। पुलकेशिन मीन ग्रेट लाइन। हिज कोर्ट पोएट वॉज द रवि कीर्ति, हु वॉज कंपोज ए प्रस्टि एट हो। अकॉर्डिंग टू हिम पुलकेशिन वेज मैनी वॉर्स एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। ही नेक्स्ट वाराणसी एंड पार्ट्स ऑफ द पल्लव टेरिटरी। हिज मोस्ट नोटेबल सक्सेस वॉज अंगेंस्ट हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा। ह्यून त्सांग द चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड द चोलक्या किंगडम ड्यूरिंग द रूल ऑफ पुलकेशिन सेकंड। अकॉर्डिंग टू हिम पुलकेशिन वॉज एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। ही रूल्ड ओवर 99,000 विलेजेस। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेल ऑर्गेनाइज आर्मी। दिस वॉज परहैप्स द रीजन फॉर हिज सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट। पुलकेशिन ऑल्सो परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइस। हाउ एवर ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय पल्लव किंग नरसिम्ह वर्मन इन 642 CE। फाइनली द चोलक्या डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटस। जब हम किंगडम, जो साउथ के किंगडम की बात करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, चोलक्यास। वैसे तो बहुत छोटे छोटे किंगडम थे जो पावर में आए थे साउथ में, पर सबसे पावरफुल चोलक्यास थे। उन्होंने कहाँ पे राज किया था, उन्होंने रिवर कृष्णा से लेके विंध्या माउंटेन के बीच में राज किया, और कब तक किया, 6th से लेके 12th सेंचुरी CE में किया था। उनकी टेरिटरी अगर आज के दौर में देखा जाए तो कहाँ तक थी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश थी, और उनकी कैपिटल क्या थी, एहोल उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी। पुलकेशिन जो सेकंड था वो सबसे अच्छा, और उनका चोलक्या रूलर में सबसे बेस्ट शासक था उनका। पुलकेशिन मतलब ग्रेट लाइन, एक बड़ा शेर उसको माना जाता था। उसका जो पोएट था रवि कीर्ति, उसने कंपोज की थी एक प्रस्टि, एहोल उनकी कैपिटल में ही लिखी थी। उसके मुताबिक क्या था कि पुलकेशिन ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अपना एम्पायर, अपना उसने साम्राज्य को बहुत ही एक्सपेंड किया, बढ़ा लिया था। उसने वाराणसी और पार्ट्स पल्लव टेरिटरी के पार्ट्स को भी उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। और उसकी नोटेबल सक्सेस क्या थी, सबसे नोटेबल जो अच्छी उसकी सक्सेस थी कि उसने किंग हर्षवर्धना को नर्मदा रिवर के किनारे उसको हराया भी था। जो ह्यूंग त्सांग जो चाइनीज ट्रैवलर था, वो चोलक्या किंगडम में उसने ट्रैवल किया था, और उसके रूल में, कौन से रूल में, पुलकेशिन सेकंड में, और उसके मुताबिक क्या था, पुलकेशिन जो है एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, शासक बहुत अच्छा था। उसने कितने विलेजेस पे रूल किया था, उसने 99,000 विलेजेस पे रूल किया था। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रांग और वेल ऑर्गेनाइज आर्मी थी उसके पास, और साथ ही साथ यही एक रीज़न था कि उसने बहुत सारे इलाकों पे आसानी से कब्जा भी कर लिया। पुलकेशिन जो था वो भी एक अश्वमेध सेक्रीफाइस उसने किया था, बट वो हार गया था और मारा गया था, किसके द्वारा, पल्लव किंग नरसिम्ह वर्मन के द्वारा, कब, 642 CE में। फाइनली चोलक्या कब हारे थे, वो हारे थे बाय राष्ट्रकूटस के द्वारा। द पल्लवस, द पल्लव किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्दर्न ओरिसा टू तंजौर इन साउथ। देयर कैपिटल वॉज कांचीपुरम। कंफ्लिक्ट बिटवीन द चोलक्यास एंड पल्लवस वर कॉमन। नरसिम्हा वर्मन डिफीट पुलकेशिन एंड गिव हिम सेल्फ टू बी टाइटल ऑफ मामला। फाइनली द पल्लव डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय चोलस।
जब हम पलवास किंगडम की बात करते हैं तो उनका साम्राज्य कहाँ से लेके कहाँ तक था? उनका साम्राज्य नॉर्थ में ओडिशा और तंजौर साउथ में था। कैपिटल क्या थी पलवास की? कैपिटल थी कांचीपुरम थी। और लड़ाई जो चोलकस और पलवास के बीच में लड़ाई क्या थी? बड़ी ही ज़्यादा कॉमन थी, आम बात थी उनके। और नरसिम्हा वर्मन ने किसको हराया था? पुष्किन सेकंड को हराया था। और उसके साथ ही उन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया था, नाम दिया था? मामला। और फाइनली पुलवास कब हारे थे? उनको हराया था चोलस ने। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप बुक में से समरी एक बार रीड कर लो, आपको ये पूरा पूरे लेसन की गो थ्रू हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में। थैंक यू ऑल।